सॉरी, मुझसे देर हो गई। मुश्क, अब क्यों रो रही हो? अब रोने की क्या जरूरत है? अब्बू जी ने तो तुम्हारी तारीख तय कर दी है। तुम इर्तिजा भाई के घर वालों से कहो कि वो इसी महीने 15 तारीख को तुम्हारी बारात ले। हाँ, क्योंकि अब्बू जी अब तुम्हें घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। हेलो हेलो, मैं हैव अ सीट। अगर अपने फादर का ऑफिस समझ के आई हो तो बैठ जाओ, मैं क्यों मना करूंगा। मैं इस फर्म की ओनर बनकर नहीं आई हूं, तुम्हारी फ्रेंड बनकर आई हूं। नाउ कैन आई हैव अ सीट? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तुम्हारी और नोमी की लड़ाई हुई है? तुम जानती हो ना साहब, मुझे गैर जरूरी बातें पसंद नहीं। लेकिन इर्तिजा, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूं। देखो, मुश्क मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ, उसकी इंटेंशंस को भी समझती हूँ। अगर उसने नोमी से बात की होगी ना, तो उसकी बहुत साफ इंटेंशंस होंगी। लेकिन यू नो नोमी को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी है कि मुश्क उससे करीब होने की कोशिश कर रही है। नोमी के पास पैसा है, स्टेटस है, उसे इस बात पर बहुत गरूर है। वो इस तरह की गरीब लड़कियों को कुछ खास नहीं समझता। बट ही इज रॉन्ग। बस हो गया साहिबा, अगर तुम वाकई मुश्क की दोस्त होती ना, तो यहां बैठ के मुझसे ये सारी बातें नहीं करी होती। And listen to me very carefully. मुश्क को दोस्त या दुश्मन की पहचान हो ना हो, मुझे इर्तिजा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। खुदा करे ऐसा ही हो। अब मेरा टाइम बर्बाद करके यू नो व्हाट, तुम अपने पापा का ही पैसा बर्बाद करो। So please, leave. Fine. Suit yourself. इफ्तिखार साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी उजलत की क्या जरूरत है। हमारा इकलौता बेटा है, अगर हम इसकी शादी में अपने अरमान पूरे नहीं करेंगे तो फिर कब पूरे करेंगे? सिर्फ 15 दिन? 15 दिन में क्या कर सकते हैं हम, जरा सोचिए आप। मेरे सोचने से क्या होता है? मैंने क्या सोचा था, क्या सोचता हूं, उस पर तो किसी ने अमल ही नहीं किया, हत्ता कि मेरी अपनी औलाद ने भी नहीं किया। इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि जो कुछ भी होगा वो बिला सोचे समझे होगा, ख्वाह किसी को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। आप अपने साहबजादे को देख लीजिए, मेरी जवान बेटी का हाथ थाम कर जहां जी चाहे घूमते फिरते, और मेरी साहबजादी की जुरत की भी दाद दीजिए,
कि वो अपने बाप के बनाए हुए उसूलों को फलांग जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा पूरा हक है कि मैं उसको इस घर से बेदखल कर दूं और अपनी बताई हुई तारीख पर। तो ठीक है अंकल, हम इस महीने की 15 तारीख को ही बारात लेकर आएंगे, बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ मुझको यहां से ब्याह कर ले जाएंगे। फिर वो ऐसी दुनिया में जा बसेगी जहां पर उसको सांस लेने पर पाबंदी नहीं की जाएगी। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट पर किसी किस्म की पहरेदारी नहीं होगी। बेटा, अभी हमने इस बारे में तुम्हारे पापा से डिस्कस नहीं किया है, उन्हें पहले आ लेने तो दो। माफ कीजिएगा बहन, आजकल के नई नस्ल के नुमाइंदों को माँ बाप के मशवरों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इनकी राह में रोड़े मत अटकाए, इनको इनके हिसाब किताब से ही चलने दे। आप लोगों से 15 तारीख को मुलाकात होगी। एक बार मेरी इर्तिजा से शादी होने दो, पलट के इस घर में कदम नहीं रखूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं, जो कह रही हूं अपने होशो आवाज में कह रही हूं। अब्बू जी मेरी शक्ल को तरसेंगे, भूलूंगी नहीं मैं ये थप्पड़। बाप है वो तुम्हारे, 1000 बार मार सकते हैं, और हम, हमारा क्या कसूर है? हमने तो तुमसे प्यार करने के सिवा कुछ और नहीं किया। इर्तिजा मुझे इतना प्यार देंगे कि मुझे किसी और के प्यार की जरूरत महसूस नहीं होगी। यानी तुम हमें भूल जाओगी, इस घर को भूल जाओगी इतनी आसानी से? इस घर में याद करने के लिए है क्या? क्या इस घर में याद करने के लिए? नफरतें, सख्तियां, पाबंदियां, दबी हुई ख्वाहिशें और क्या है? मैं इर्तिजा के घर जाऊंगी शादी होकर, वहां पे देखना मेरा ऐश और आराम, मेरे पास हर चीज होगी वहां पे, मोहब्बत, प्यार, इत्मीनान, हर चीज। और जब तुम पलट के यहां पे वापस आओगी ना, तब तुम्हें महसूस होगा कि ये घर कितना घुटन ज्यादा है। मुझे एक बात कहूं तुमसे, जब इंसान एक मामूली सी कामयाबी मिलने के नशे में खुद को सातवें आसमान पे खड़ा करता है ना, तो वो इंसान नहीं होता, कैसे भरा एक गुब्बारा होता है जो कि हालात की तपिश से फटता है, ना ही जमीन का रहता है और ना ही आसमान का। मुझे लेक्चर्स मत दो अंबर तुम, और ना ही मेरी खुशियों और कामयाबियों से जलो।